सलमान खान के साथ जुड़ी हुई पॉपुलर उनकी जो मैनेजर थी रेशमा शेट्टी, उन्हें कौन नहीं जानता है। बॉलीवुड के कई सितारों के साथ उनका एक बॉन्डिंग थी, यानी कि उन्हें मैनेज करती थी, जिनमें से सलमान खान थे, अक्षय कुमार थे, आलिया भट्ट थी, इसके अलावा कई और सितारे थे जिनको वो मैनेज करती थी। और रेशमा शेट्टी जब तक थी, अफकोर्स सलमान खान का कैरियर हाई पर था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि बहुत ही कड़क मिजाज थी और बहुत सारी चीजों में उन्हें सलमान खान को उनका रवैया पसंद नहीं आता था और इसलिए सलमान खान ने उन्हें हकाल दिया था। तो ऐसे में रेशमा शेट्टी बॉलीवुड के जो एक एक फिल्मी जगत है उसे अच्छे से जानती है, नेपोटिज्म अच्छे से जानती है, फेवरेटिज्म अच्छे से जानती है कि किसी तरह से सुशांत सिंह के साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं, या लोग उसके खिलाफ गैंग बना लिए थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्या ऐसा कुछ मामला है। इस बारे में रेशमा शेट्टी का स्टेटमेंट लिया गया कल, और रेशमा शेट्टी के साथ 5 घंटा तक मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, और रेशमा शेट्टी का ये कहना है कि वो सिर्फ 2 बार उनसे मिली थी सुशांत सिंह राजपूत से, और इन दो बार जब मिली थी तो उन्हें ऐसा कुछ लगा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत किसी तरह से डिप्रेशन के शिकार या किसी तरह की चीजें ऐसी थी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि इसके अलावा वो जानती नहीं, 2 बार ही मिली थी। और बाकी जहां तक बात की जाए, पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि क्या ये ग्रुपिज्म था या नेपोटिज्म था, ऐसा कुछ था क्या, लेकिन हाँ 5 घंटे तक अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है तो बहुत कुछ साफ है। रेशमा शेट्टी ने कबूला होगा अक्षय कुमार के बारे में, सलमान खान के बारे में, आलिया भट्ट के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेशमा शेट्टी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैनेजर जो लोग होते हैं या पीआर होते हैं या जो जो सेलिब्रिटी से जुड़े होते हैं, उन्हें ही असली सच पता होता है सेलिब्रिटीज का, एक्टर्स का। यानी कि हम आप सलमान खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट या कोई भी एक्टर का सच नहीं जानते, जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं जैसे कि रेशमा शेट्टी, वही उनका असली सच जानती है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक कितने स्टेटमेंट हो चुके हैं, 35 स्टेटमेंट हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और ऐसे जितने और स्टेटमेंट होंगे उस स्टेटमेंट के बाद शायद पुलिस अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी राय बाहर करेगी, आई मीन पब्लिक के सामने जाहिर करेगी। लेकिन फिलहाल बहुत सारी चीजें अनकही है, वो अनसुलझी है, या फिर पुलिस को पता है, पुलिस ने अभी तक बताया नहीं है। तो वेट करते हैं, जो भी चीजें होंगी, जिसका भी आटा गीला होगा वो साफ साफ समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, क्या लगता है सलमान खान की पूर्व मैनेजर या अक्षय कुमार की, आलिया भट्ट की पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी का बयान कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फंस सकता है या नहीं, आप जरूर बताइएगा।